हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर द लिटिल गर्ल, और इस चैप्टर के राइटर का नाम है कैटरीन मैंसफील्ड, जो कि तुम लोग को याद रखना है। ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसका नाम है केजिया, और वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा ही डरती है। वैसे उसके फादर दिल के बुरे इंसान नहीं हैं, बट वो कभी कभी अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार देते हैं। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। हर सुबह केजिया के फादर अपने काम पर जाया करते थे, और वो काम पर जाने से पहले उसके रूम में आते थे और वो उसे कैजुअल किस दिया करते थे, जिसके रिस्पॉन्ड में केजिया गुड बाय फादर कहती थी। उसको बड़ा ही सुकून मिलता था जब वो देखती थी कि उसके फादर अपने कैरेज में बैठकर अपने काम पर जा रहे हैं, और जब उसके फादर की कैरेज की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती थी तो वो राहत की सांस लेती थी कि उसे अब घर में कोई डांटने वाला नहीं है, क्योंकि उसके फादर तो अब काम पर चले गए हैं। शाम को जब केजिया के फादर घर वापस आते थे तो केजिया जो है वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी, और उसे अपने फादर की लाउड वॉइस हॉल से सुनाई देती थी। वो कहते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ, और पेपर्स अभी तक आए हैं कि नहीं मदर जाकर देखो, और मेरे पेपर्स के साथ मेरे स्लीपर्स भी लेते आना। उसके बाद केजिया की मदर उससे कहती थी कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम जाकर अपने फादर के बूट्स को उतार दो। केजिया धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर कर हॉल की तरफ जाने लगती थी, फिर वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। जैसे ही वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी तो उसके फादर उसे देखते थे और उसे कहते थे, वेल केजिया जल्दी करो, मेरे बूट्स उतार कर इन्हें बाहर रखाओ। क्या तुम आज अच्छी लड़की बनकर रही? तो इस पर केजिया जो है वो रिप्लाई करती थी, आई डोंट नो फादर। वो अपने फादर के सामने बहुत ज़्यादा ही स्टटर्ड करती थी, स्टटर्ड यानी हकलाती थी। तो इस पर उसके फादर जो है वो कहते थे कि अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो जल्दी ही मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वैसे तो केजिया दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी, लेकिन वो अपने फादर के सामने हकलाती थी क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा ही डरती थी, और इसलिए वो वर्ड्स ठीक तरह से नहीं बोल पाती थी। सो संडेज़ की आफ्टरनून को केजिया की ग्रैंड मदर उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि वो जाकर अपनी मदर एंड फादर से अच्छी तरह से बात कर सके। बट लिटिल गर्ल जब वहाँ पर पहुँचती थी तो वो अक्सर देखा करती थी कि उसकी मदर जो है वो एक सोफ़े पे बैठकर बुक पढ़ा करती थी, और उसके फादर सोफ़े पर लेटे रहते थे, और उनका फेस जो है वो रुमाल से ढका हुआ रहता था, और उनके पैर कुशंस के ऊपर होते थे, और वो बहुत ही आवाज़ करके सोया करते थे, यानी कि वो खर्राटे मारकर सोते थे। केजिया जो है वो स्टूल पर जाकर बैठ जाती थी और वो अपने फादर के उठने का इंतज़ार करती थी। जब उसके फादर उठते तो वो उससे टाइम पूछते, और फिर वो उससे कहते थे कि तुम मुझे ऐसे घूरो मत, तुम मुझे एक ब्राउन आउल की तरह घूरो मत। तो जल्द ही विंटर आ जाता है, और केजिया की ग्रैंड मदर उसे बताती है कि नेक्स्ट वीक फादर का बर्थडे आने वाला है, और वो उसे सजेस्ट करती हैं कि वो अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाए गिफ्ट के तौर पर। तो केजिया जो है वो मान जाती है, और वो एक येलो सिल्क से अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाती है, और वो कुशन के तीनों साइड सिल देती है। अब उसे उसके अंदर कुछ स्टब्स भरने थे तो वो अपने मदर के बेडरूम में जाती है और उनके बेड टेबल पर देखती है कि वहाँ पर कुछ पेपर के शीट्स पड़े हुए थे, तो वो उन्हें उठाती है और उन्हें फाड़ कर अपने कुशन में भर लेती है, और फिर चौथी साइड सिल देती है। उस रात केजिया के घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी, फादर का स्पीच जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए था वो खो गया था। सारे रूम्स चेक किए गए थे, सर्वेंट्स से क्वेश्चन भी किया गया था। फाइनली केजिया की मदर उसके पास आती है उसके रूम में, और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे टेबल पर कुछ पेपर्स देखे थे? तो इस पर केजिया कहती है, ओ यस मदर, मैंने उन्हें फाड़ कर अपने सरप्राइज़ के लिए यूज़ किया है। तो उसकी मदर चिल्लाती हुई कहती है, व्हाट, तुम मेरे साथ नीचे आओ डाइनिंग रूम में जल्दी। और फिर वो उसे
उसके फादर के पास ले जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। तो इस पर उसके फादर जो है वो उससे कहते हैं कि डिड यू डू डैट। तो इस पर जो केजिया है वो कहती है नो नो नो। उसके बाद केजिया के फादर उसकी मदर से कहते हैं कि अब इसे ले जाकर सुला दो। पर उस रात केजिया जो है वो सोती नहीं है, वो रात भर रोती रहती है। फिर उसके फादर उसके रूम में आते हैं एक रूलर के साथ और वो उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। तो केजिया इस पर चिल्लाती है ओ नो नो, और वो बेड क्लोथ्स के नीचे छुप जाती है। फिर वो उसे खींचते हैं और कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और जब तक कि केजिया बोलने वाली होती है कि ये सब आपके बर्थडे के लिए था, तभी उसके पिंक पाम्स पर वो अपने रूलर से मार देते हैं। कुछ घंटों के बाद केजिया की ग्रैंड मदर वहाँ आ जाती हैं और वो केजिया को सॉल से रैप कर लेती हैं, यानी कि सॉल से ढक लेती हैं, और फिर वो उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। उसके बाद केजिया जो है वो कहती है कि वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। तो उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर उसके नाक को साफ करती है और उसे कहती है कि अब तुम सो जाओ, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। नेक्स्ट मॉर्निंग केजिया कुछ नहीं भूलती और वो जब भी अपने फादर को देखती थी तो उसके जो चिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली लाल हो जाते थे डर के मारे। केजिया के एक नेबर थे जिनका नाम था मैकडोनल्ड्स और उनके 5 चिल्ड्रन थे। तो केजिया अक्सर देखा करती थी कि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ टैग खेला करते थे इवनिंग के टाइम में, टैग यानी कि पकड़म पकड़ाई, और वो अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते थे और हमेशा हंसते रहते थे। तो उसके बाद उसको लगता है कि देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, यानी कि अलग अलग तरह के फादर होते हैं। एक दिन अचानक से केजिया की मदर बीमार पड़ जाती हैं और उसकी ग्रैंड मदर उसकी मदर को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। उस दिन केजिया जो है वो घर पर अकेली थी अपनी कुक के साथ जिसका नाम था एलिस। दिन में सब कुछ ठीक था बट रात को जब एलिस केजिया को सुलाने आती है तो केजिया उससे कहती है कि अगर आज रात मुझे नाइटमेयर आया, नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना, तो मैं क्या करूँगी। और वो उसे कहती है कि जब भी मुझे नाइटमेयर्स आते थे तो ग्रैनी के पास मैं चली जाती थी, उनके साथ मैं सो जाती थी। तो इस पर जो एलिस है वो उससे कहती है कि तुम चुपचाप सो जाओ और तुम अपने सॉक्स उतार दो और तुम चिल्लाना नहीं, नहीं तो तुम्हारे पुअर पा जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, यानी कि फिर से वही बुरा सपना आता है जिसमें एक बचर एक नाइफ के साथ और एक रस्सी के साथ उसके पास आ रहा होता है और वो हंस रहा था और वो काफ़ी ही डरावना लग रहा था। केजिया जो है वो चुपचाप खड़ी थी, हिल नहीं पा रही थी और वो रोए जा रही थी। ग्रैंडमा ग्रैंडमा कहकर वो उठ जाती है और तब वो देखती है कि उसके फादर जो है वो उसके बेड के साइड में खड़े थे और उनके हाथ में एक कैंडल था। वो उससे पूछते हैं व्हाट्स द मैटर। तो केजिया इस पर कहती है ओह अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो उसके फादर जो है वो मोमबत्ती को बुझा देते हैं और फिर उसे पकड़ कर अपने बाहों में उठा लेते हैं और फिर उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं। उनके बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, वो अपने न्यूज़पेपर को हटाते हैं और फिर वो केजिया को सुला देते हैं और वो उसके साइड में सो जाते हैं। केजिया जो है वो अपने फादर के क्लोज आ जाती है और उनके शर्ट को टाइटली पकड़कर सो जाती है। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम अपने फीट को मेरे फीट से रब कर लो ताकि तुम्हें कुछ वार्म मिले, गर्मी मिले। उसके बाद केजिया जो है वो सोचने लगती है कि उसके फादर भले ही स्ट्रिक्ट हैं बट वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह उसके साथ खेल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं और वो काम से बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं। वो थोड़ा गुस्से में रहते हैं क्योंकि वो बहुत काम करते हैं और उन पर काम का बहुत ज़्यादा ही प्रेशर रहता है। तो वो ये सब कुछ समझ जाती है। फिर कुछ देर बाद केजिया जो है वो थोड़ा सा हिलती है। तो इस पर उसके फादर उससे पूछते हैं व्हाट्स द मैटर अनदर ड्रीम। तो इस पर केजिया कहती है ओह मेरा सर आपके हर्ट के ऊपर था और मैं उसकी आवाज़ सुन रही थी। फिर वो कहती है
व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और अगर अभी तक तुम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लो।